लोबिया करी बनाने के लिए हमने लिया है एक कप लोबिया। लोबिया को हमने अच्छे से धो के और पानी में भिगो के रख दिया था, कम से कम 8 घंटे तक इसको हमें भिगोना है। तो ये मैंने भीगा हुआ लोबिया ले लिया है। और साथ में हमें चाहिए 3 बड़े टमाटर जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच कसूरी मेथी और 1 बड़ा टेबलस्पून मैंने लिया है तेल। तो चलिए बनाते हैं लोबिया। हम इसे प्रेशर कुकर में बनाएंगे और लोबिया को हम पहले उबालेंगे नहीं, हम डायरेक्ट मसाला भून के लोबिया बनाएंगे और हमारा बहुत अच्छा लोबिया बनके तैयार होगा। तो चलिए आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम कुकर में ऑयल डाल देते हैं और ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। प्याज लाइट ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट डालने के साथ ही हम डाल देंगे इसमें नमक, साथ में डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसे तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक कि टमाटर जो है वो तेल ना छोड़ दे। टमाटर को भूनते हुए लगभग 4-5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ये फैट साइड में आ गया है। अभी हम टमाटर को थोड़ा और भूनेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डाल देंगे। ये मैंने लगभग 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप खाली 1 चम्मच अदरक का पेस्ट इसमें डालें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हम करीब 5 मिनट और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला काफी अच्छे से भून चुका है और टमाटर का पानी भी पूरा सूख चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथ से थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। कसूरी मेथी डालने से इस सब्जी की जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और साथ में हम इसमें डाल देंगे अब गरम मसाला। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है, बहुत टेस्टी हमारी लोबिया करी बनके तैयार हो गई। अच्छे से सब चीजों को हमने भून लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे लोबिया। तो ये भीगा हुआ लोबिया मैं इसमें डाल रही हूँ। लोबिया को अच्छे से मसाले के साथ हम मिक्स कर देंगे और इसमें हम डालेंगे पानी। पानी आप इसमें बहुत ज्यादा ना डालें क्योंकि हमें थोड़ा लटपटी सब्जी बनानी है। तो मैं इसमें लगभग 2 कटोरी पानी डालूंगी और ये देखिए बहुत अच्छी सब्जी हमारी बनके तैयार होगी। थोड़ा सा पानी इसमें और डाल देती हूँ क्योंकि मैं इसको चावल के साथ खाने वाली हूँ, तो थोड़ी सी मुझे इसमें तरी चाहिए। इसमें 1/2 कटोरी पानी मैंने और डाला है। बिल्कुल परफेक्ट लग रही है इसकी कंसिस्टेंसी, क्योंकि हम प्रेशर दिलाएंगे इसको तो थोड़ा सा पानी ये एब्जॉर्ब भी कर लेगी सब्जी। तो और अब हम इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे और गैस की फ्लेम एकदम हाई कर देंगे। हाई फ्लेम पे हम 1 प्रेशर आने देंगे, उसके बाद मीडियम लो कर देंगे और 3 मिसल आने देंगे। सब्जी बन चुकी है और एक हाई प्रेशर पे हमने विसल दिलाई और 3 विसल हमने लो प्रेशर पे दिलाई। तो अब मैं गैस को स्विच ऑफ कर देती हूँ और कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे और फिर इसे खोलेंगे। लगभग 8-10 मिनट बीत चुके हैं और कुकर की स्टीम निकल चुकी है। हम कुकर खोल लेते हैं और देखते हैं हमारा लोबिया कैसा बना है। वाह, देखिए कितनी अच्छी हमारी लोबिया करी बनके तैयार हुई है। और आप देखिए लोबिया भी बहुत अच्छे से गल के एकदम तैयार है। बहुत अच्छी हमारी लोबिया करी बनके तैयार हुई है। चलिए डिश आउट कर लेते हैं। मसाला लोबिया करी बनके तैयार है। ये लोबिया जो है खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसे आप चावल के साथ सर्व कीजिए, चपाती के साथ सर्व कीजिए या किसी भी सूखी सब्जी हो साथ में, और रोटी हो चावल हो, बहुत टेस्टी लगता है।
आप इस करी को जरूर एक बार बनाइए, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। प्लीज आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सोनिकाज कुकबुक।